हेलो तो गाइस, आपका मेरे एक और न्यू वीडियो के साथ फार्मिंग सिम्युलेटर सेक्शन में स्वागत है। तो गाइस, यहाँ पे लास्ट बार आपने देखा ही होगा कि गाइस ये जो है शुगर बीट की हार्वेस्टिंग की मशीन खरीद ली थी, बाकी अपना करने वाले शुगर बीट की सीडिंग। तो गाइस फटाफट यहाँ पर बंदे को हायर कर दें और जो अपना काम है उसको शुरू कर दें। जैसे गाइस यहाँ पे आज अपने यानी कि जो पोटैटो की हार्वेस्टिंग की और सीडिंग की जो मशीन उसको खरीदने वाले और न्यू एक ट्रैक्टर भी खरीदने वाले, तो देखते जाओ आगे आगे यानी कि क्या होता है। बाकी अपने पास जो पैसा है उसको भी जमा करते हैं, एक दो राउंड तो मेरे हिसाब से भी फार्मिंग करनी पड़ेगी, तो उसको सबसे पहले निपटा दें। और ये जो चार फार्म है यहाँ पर उसमें यानी कि अभी शुगर बीट की जो है गाइस फसल लगाने वाले, जब अपने पास पोटैटो की सीडिंग और हार्वेस्टिंग की मशीन आ जाएगी तब दो दो फार्म में अपने डिवाइड कर देने वाले। तो बाकी अभी तो फटाफट जो काम है उसको निपटा देते हैं। और बाकी गाइस यहाँ पे देख लो, ये जो अपना हार्वेस्टर है उसको गाइस ये वाले जो फार्म है यानी कि ये सेक्शन है वहाँ पर मैं लेके आ गया हूँ। बाकी गाइस यहाँ पे जो अपने लास्ट बार ही जो हार्वेस्टर तो बेच दिया था, लेकिन उसका हेडर देखो सामने पड़ा हुआ है, इसका अपना कुछ भी यूज़ नहीं होने वाला है, तो मैं उसको भी बेच ही देता हूँ। 500-2000 मिलेंगे, तो इसका काम है ही नहीं, तो रख के क्या करेंगे, बेच ही देते इसको। देख लो गाइस जो हेडर है उसको तो बेच दिया, बाकी गाइस यहाँ पे जो बंदे वो भी सब अपने पहले से ही हायर कर दिए हैं। गाइस ये जो बने हैं गाइस, ये जो शेड है इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि गाइस बार बार जो है सीडिंग वाला बंदे को यहाँ पर अटक जाता है, इसलिए अपना काफ़ी ज़्यादा समय जाता है। बाकी गाइस काम तो बहुत ही ज़्यादा तगड़ी तरीके से चलता है, सीडिंग शो और जो भी काम है यानी कि फर्टिलाइजर का उसको निपटाते हैं। यहाँ पे देख लो एक अंकल ने एक और ट्रेलर कुछ खरीदा है और इसको अपने वो गाइस मेल पर डिलीवरी करने जाना है, तो बराबर इसको अटैच करते हैं बंदे के थ्रू पहुँचा देते हैं। यहाँ पे देख लो गाइस जो शुगर बीट है उसकी फसल आनी शुरू भी हो गई। बाकी गाइस जो अपनी तीनों मशीन को मैं यहाँ पर ले गया हूँ, क्योंकि गाइस यहाँ पर एक दो पेड़ है गाइस जो सीडिंग में अपने जो बंदे होते हैं जो अपने को अपने उनको जिनको हायर में उनको नट रहे, तो फिर गाइस उसको कट करने का अपने को। और ये वाला जो सबसे आगे वाला ये जो दिख रहा है कि ये नट रहा है, और इसको अपने को ऐसा काटना है जो उगना। फटाफट गाइस मशीन शुरू करता हूँ, और गाइस अब तो फूल अपने काटेंगे, यानी कि चार पेड़ वो ही काटेंगे जिससे अपना जो है लॉग्स को बेच के आ सके। बाकी फटाफट मशीन शुरू करते हैं और जो जो पेड़ काटते हैं उसको निपटा देते हैं। बाकी गाइस यहाँ पे देख लो जो फसल है वो तो आ गई है, और अपने को गाइस यहाँ पे जो पोटैटो की सीडिंग और जो हार्वेस्टिंग में जो मशीनरी चाहिए वो तो अपने को 158,000 डॉलर में मिल जाएगी, लेकिन अपने को खरीदने के ट्रैक्टर होगी, क्योंकि गाइस ट्रैक्टर अपने पास बहुत ही ज़्यादा काम है। तो गाइस एक लैम्बोर्गिनी का ट्रैक्टर खरीदेंगे और उसके ऊपर का एक है 3,10,000 डॉलर का एक है, तो कौन से कंपनी का वो तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन उसको भी खरीदेंगे। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा अपने को समझ लो गाइस, मेरे हिसाब से 2 राउंड तो फार्मिंग करनी ही पड़ेगी, तो गाइस उसको निपटा दे पहले। और भाई यहाँ पे गाइस देख लो शुगर बीट जो अपना वो तो आ गया, बाकी देख लो उस फार्म का जो शुगर बीट है पूरा ख़राब हो गया है। अपने लोग गाइस हर बार जैसे फार्मिंग करते हैं, तो मेरे को लगा यानी कि जो कैन कॉर्न हेनोला और वीट की जो फसल होती है यानी कि येलो हो जाती है, पूरी पक जाती है, तो ऐसी हो गई। लेकिन गाइस देख लो इसको ग्रीन ग्रीन में ही कट करना होता है, और उस फार्म की कब से ऐसी फसल आ के रखी थी, लेकिन मुझे लगा कि और पकेगी पकेगी, लेकिन गाइस यहाँ पे मतलब मैंने मशीन जैसे शुरू की वैसे गाइस यहाँ पे यानी क्या कुछ हुआ ही नहीं, पूरे ख़राब हो गए थे जितने भी शुगर बीट वो। वैसे गाइस मैं एक और बार वहाँ पे यानी कि जाकर बता ही देता हूँ क्या ही हुआ था, क्योंकि गाइस यहाँ पे मतलब देखो भी आप ही देख लो कुछ नहीं होने वाले हैं। देखो गाइस यहाँ पे मशीन काम ही नहीं कर रही है, क्योंकि गाइस पूरे के पूरे जो शुगर बीट है फर्स्ट टाइम उसमें यहाँ पे फसल हुआ है, और पहला फार्म जो था वही ख़राब हो गया है। लेकिन अभी भी अपने पास टाइम हैगा गाइस, ये जो हुआ हुआ है इसे काफ़ी समय हुआ है, क्योंकि गाइस अपने लैम्बोर्गिनी का ट्रैक्टर से अपने सीडिंग की थी, तो गाइस सीडिंग में काफ़ी यानी कि गैप नहीं, तो फटाफट यहाँ पर मैं बंदे को हायर करके जाता हूँ, वो पूरा जो जो भी काम है उसको निपटा देगा।
बाकी देखते हैं गाइस दूसरे फार्म की फसल खराब ना, उसका ही देखेंगे और तो क्या ही कर सकते हैं, फटाफट ये जो काम है उसको निपटाते हैं। और मतलब यार मेरे को पता ही नहीं था अपने, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे फार्मिंग की, तो गाइस मुझे लगा कि जैसे कॉर्न वीट और ग्रेनोला की होती है यानी कि येलो होगी तब अपने को हार्वेस्ट करना होगा, लेकिन नहीं, ग्रीन में ही इसको हार्वेस्ट करना होता है। और ये गलती मतलब अच्छा हुआ एक ही फार्म में अपने करके देख लिया, नहीं तो गाइस ये सब येलो हो जाते तो काफ़ी दिक्कत आती। बाकी मुझे लगता है गाइस वो लास्ट वाला शायद तक अपने से वो उसकी भी फसल जाने वाली है, तो देखते हैं वहाँ के आगे क्या ही होता है कि फटाफट बंदे को काम निपटाने देते हैं। हर एक तो फसल ख़राब होने का टेंशन है, ऊपर से ये जो पहाड़ है गाइस अपने काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे रहा है, मतलब टर्न लेना बंदे को हार्ड पड़ रहा है। ओ भाई गया दूसरा फार्म भी गया गाइस, यहाँ पे जो फसल थी देख लो, जो वो दो फार्म की फसल तो ख़राब हो गई। अब देखते मेरे को नहीं लगता गाइस वो तीसरा फार्म भी बच पाएगा, बस ये फार्म की अपना फसल को अच्छी तरह से हार्वेस्ट कर पाएंगे, तो गाइस इसको ही निपटाते और देखते जितनी ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में हो सकता है उसको निपटाने की कोशिश करते हैं। कि गाइस यहाँ पे देख लो ये जो अपनी मशीन है गाइस हार्वेस्टिंग मशीन, वो तो पूरी फुल हो चुकी है, बाकी गाइस ये काम कैसे कर रही है गाइस वो भी मैं बताना यानी कि भूल गया, क्योंकि गाइस उस टाइम पर जो बोलते हैं पूरी फसल ख़राब हो गई थी इसीलिए, बाकी गाइस कुछ भी नहीं यहाँ पे जैसे होता है वैसे ही है। और भाई यहाँ पे 50% जितना ही गए यहाँ पे पूरी फूल हुई है जी भाई। अच्छा गई यहाँ पे ट्रेलर की कैपेसिटी ज़्यादा इसीलिए गए जितने को इतना कम बता रहा है, बाकी गाइस मैं फटाफट ये जो काम उसको निपटाने की कोशिश करता हूँ। गाइस यहाँ पे देख लो जो अपनी फसल ख़राब हुई थी दो फार्म की, यानी कि जो फसल यानी कि जो बोलते हैं शुगर बीट की, वो ख़राब हो गई थी। तो गाइस ये दो फार्म में से एक थे, तो गाइस जो बोलते हैं फसल को पूरा फिर से तुमने कल्टीवेट कर दिया यानी कि जो ख़राब फसल जो उसको हटा दिया है। बाकी गाइस यहाँ पे देख लो ये जो अपनी हार्वेस्टिंग मशीन है इसको गाइस 98% इतनी फूल लगी थी, उसको अपने ट्रेलर में खाली कर दिया। बाकी दो जो बोलते हैं ना गाइस दो फार्म जो दो फार्म से 92% है यानी गाइस ये जो ट्रेलर है ये गाइस 40,000 किलोग्राम जितना जो होता है गाइस कोई भी फसल को यानी कि एक साथ में स्टोर कर सकते हैं, यानी कि समझ सकते हो गाइस आराम से गाइस 35,000 किलोग्राम जितना तो होगा। बाकी चारों फार्म में कर दे आराम से 40,000 किलोग्राम से भी ऊपर से इतना शुगर बीट निकलने वाला था। बाकी इसमें एक बात बढ़िया है, अगर अपना फसल को सीधे सीधे अपना हार्वेस्ट कर ले रहे हैं यानी कि सही समय पर, तो अपने को कल्टीवेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। देख लो गाइस ये फार्म में अपने यानी कि सीधे हार्वेस्ट कर और उसके सामने जो है उसमें भी यानी कि सही समय पर हार्वेस्ट कर लिया था, तो कल्टीवेटर की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन कल्टीवेटर की ज़रूरत तब पड़ती है जब गाइस यहाँ पर अपनी फसल ख़राब हो जाए तब, लेकिन गाइस आगे से ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि अपने पहली पहली बार था और अपने को पता नहीं था इसकी फसल कैसी दिखती, इसलिए बाकी गाइस यहाँ पर मील पे ही सबसे ज़्यादा प्राइस इसके मिल रही थे, भेज देते हैं बंदे को बेचने के लिए। हाँ पे गाइस जितने भी हार्वेस्टिंग करने के लिए यानी जितने भी फार्म पे हार्वेस्टिंग करने के लिए उन सबको निपटा लिया, बाकी गाइस सीडिंग का काम हर फार्म पे बाकी उसको निपटाएंगे। बाकी एक बंदा गाइस फर्टिलाइजर छिड़कने के लिए देख लो गाइस जो अपना पाँचवा सेक्शन है वहाँ पे हायर किया हुआ है, बाकी अपना बैलेंस देख ही सकते हो $9 लाख के पास पहुँचने ही वाला है, यानी कि पहुँचने ही वाला है भटक गया क्योंकि गाइस जब अपने पास कुछ है नहीं बेचने के लिए, इसलिए बाकी गाइस अपने चलते सीधा शॉप में। सबसे पहले गाइस $1,02,000 देखे गाइस ये जो हार्वेस्टर है पोटैटो का इसको खरीदते हैं। दूसरा गाइस यहाँ पे जो पोटैटो की सीडिंग की जो मशीन है $56,000 की इसको खरीदते हैं। तीसरा गाइस यहाँ पे जो लैम्बोर्गिनी का ट्रैक्टर है इसको भी खरीदते हैं। वो था गाइस न्यू हॉलैंड एग्रीकल्चर T8 320 HP 320 स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर प्राइस $3,10,000 खरीदते गाइस इसको भी। देख लो गाइस जो मशीनरी है उसको भी मैंने खरीद लिया, ट्रैक्टर को भी खरीद लिया, और न्यू हॉलैंड वाला जो ट्रैक्टर है जो लैम्बोर्गिनी के ट्रैक्टर की साइज है उससे भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। बाकी गाइस फटाफट ये जो मशीनरी है उसको ले अटैच करता हूँ और जो सेक्शन है वहाँ पर लेके चलते हैं अपने पहले। बाकी लुक
क्या ही बोलूँ, क्या ही ज़बरदस्त लुक आ रहा है यहाँ पे। और भाई एक कार वाला बंदा रुक जा, निकल जा भाई तू, मतलब क्या ही ज़बरदस्त लुक आ रहा है। देख लो भाई जहाँ पे जो मशीनरी उसका बाकी फटाफट जो जो सेक्शन में ले जाना वहाँ पे इनको ले जाते हैं। और स्पीड, ओ भाई यहाँ पे स्पीड क्या ही मैं बोलूँ उसे, यहाँ पे रुक जाओ 55 किलोमीटर पर, और किसकी स्पीड से अच्छा गई, जहाँ पर मशीनरी अपना नाटेज की इसीलिए थोड़ी कम स्पीड हो गई, वरना मैं बोलूँ तो 55 किलोमीटर पर की स्पीड बोले, और गई यहाँ पे तो गई 49 किलोमीटर पर की स्पीड दे रहा है। बाकी गई देख लो जो मशीन है उसको तो अपने लेके आ गए हैं, यहाँ पे गई जो शेडिंग मशीन है उसको भी गई पूरा फिल करा गई चलते हैं। और बाकी गई देख लो ये पूरे जो पोटेटो के सीट्स हैं क्या वो पूरा फिल हो गए गई यहाँ पे, यानी कि पोटेटो के सीट्स नहीं होते, यानी कि जो सीट पोटेटो है जो पोटेटो है वही फिल हो गएंगे। बाकी गई जो मशीन है उसको तो लेके पहुँच गए। बाकी यहाँ पे देख लो ये जो सेक्शन है इस पर अपने करने वाले हैं पोटेटो की फार्मिंग, ये दो फार्म है, और वो जो हैंगे गाइस उसमें करने वाले अपने शुगर बीट की फार्मिंग। लेकिन रुक जाऊँ मैं सोच रहा हूँ कि वो दो बड़े फार्म है मैं, लेकिन गाइस अभी अपने इस पर ही करके देखते हैं, क्योंकि गाइस यहाँ पे जिसमें ज़्यादा कम होगा वो अपने चेंज कर ही लेने वाले हैं। बाकी देख लो 3 लैम्बोर्गिनी के ट्रैक्टर हो गए और एक न्यू ट्रैक्टर, यानी कि क्या ही ज़बरदस्त है। बाकी फार्मिंग का काम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तगड़े पैमाने पर होने वाले हैं। और ये वाली मशीनरी और जो है गई शुगर बीट और यानी कि पोटेटो की जो मशीनरी देख लो, पोटेटो की जो है गई मशीनरी से थोड़ी बड़ी है ये, और लुक भी उसका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है गाइस। यहाँ पे ट्रेलर का अपने को बंदोबस्त करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस अपने पास ट्रेलर रहेगी और मिक्स तो अपने कर नहीं सकते, इसलिए मेरे को ट्रेलर का बंदोबस्त करना पड़ेगा। डिटेच करता हूँ और ये गाइस जो इसमें शॉपिंग मशीन है उसको मैं अटैच करता हूँ। वैसे गाइस मैंने सोचा ये वाला जो ट्रैक्टर है उसके साथ अटैच करूँ, लेकिन उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो होगी, इसलिए उसको ट्रेलर के साथ अटैच कर देंगे। बाकी गाइस मैं इसको फटाफट गाइस इस सेक्शन में लगा ही देता हूँ, क्योंकि गाइस अब जो काम होने वाला है बहुत स्पीड में होने वाला है। गाइस ये जो मशीन है ना शुगर बीट की उसको भी मैं वहाँ पर सेट करता हूँ। वैसे अपने को एक ट्रेलर भी खरीदना ही पड़ने वाला है, क्योंकि अपने मिक्स यानी कि तो बोलते हैं अपने कर नहीं सकते, और अपने शुगर बीट और पोटेटो के लिए अलग अलग ट्रेलर रखने वाले हैं। तो शुगर बीट या पोटेटो के लिए ट्रेलर तो है, लेकिन अपने को एक और ट्रेलर की ज़रूरत पड़ने वाली है। और अभी ये वाला जो ट्रैक्टर है उसको तो गाइस ये जो ट्रेलर है इसके साथ अटैच कर दे रहा हूँ, क्योंकि गाइस जब अपने पास इतना पैसा नहीं है कि अपने को न्यू ट्रैक्टर खरीद सके, यानी पैसा तो है न्यू ट्रैक्टर खरीदने का, लेकिन गाइस ये जो लैम्बोर्गिनी और न्यू हॉलैंड टाइप ट्रैक्टर खरीदने का नहीं है। बाकी मैं चल रहा हूँ शॉप में, और सबसे पहले गाइस यहाँ पे जो $52,000 का ट्रैक्टर है उसको मैं खरीद ले रहा हूँ। और अभी ये जो वाला टीपर है गाइस यहाँ पे इसको, यानी कि जो $89,000 का टीपर है उसको ही खरीद ले रहा हूँ मैं। ये जो मशीन है ये दोनों का, जो ना ट्रैक्टर और जो टीपर दोनों के दोनों आ गए। बाकी गाइस इसमें मेरे हिसाब से जिसकी यानी कि जो बोलते हैं हार्वेस्टिंग कम होगी, जो ज़्यादा मशीनरी स्टोर कर सकेगी उसमें ये रख देंगे, क्योंकि गाइस उसमें थोड़ा अपने को टाइम मिल जाएगा बेचने जाने का ये, इसीलिए। बाकी गाइस फटाफट जो मशीनरी इसको जो सेक्शन है वहाँ पे डिवाइड कर दे रहा हूँ, और अब मेन जो जो सेक्शन है वो डिवाइड हो गए हैं, यानी कि गाइस मैंने जितने भी फार्म थे उन सबको क्लियर कर दिया है। और अब जो मैंने बोला था यानी कि अगली बार करने वाले, वैसे तो मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से सेक्शन में किस किस चीज़ की, यानी कि कौन से सेक्शन में कॉर्न की फार्मिंग होगी, कौन से सेक्शन में कैनोला की फार्मिंग होगी, कौन से सेक्शन में वीट की फार्मिंग होगी वो बता ही देने वाला हूँ। लेकिन वीट की फार्मिंग करेंगे तो उससे अपने को दूसरा एक और फ़ायदा होने वाला है, तो उसके लिए यानी कि जो बोलते हैं अपने को मशीनरी खरीदनी पड़ सकती है, तो वैसे उसको भी खरीदेंगे। बाकी देख लो यहाँ पर पूरा का पूरा सेट कर दिया है, अब बस अपने को इस बंदे को हायर करते जाने का, तो काम भी अपने निपटा देने वाले। बाकी आज का जो काम था वो तो हो ही चुका है। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।